हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, रोग दूर करने के हनुमान जी के टोटके उपाय और हनुमान मंत्र। जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों आज आपके रोग दूर करने के लिए हनुमान जी के ये टोटके उपाय जरूर आजमाएं। और हनुमान जी का एक मंत्र 108 बोलने से, जी हाँ दोस्तों, हर रोज 108 बार बोलने से आपके तमाम रोग मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों ऐसे कुछ खास उपाय और टोटके के बारे में और इस मंत्र के बारे में। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ करने से शत्रु का नाश होता है, लेकिन दोस्तों इसे 21 दिनों तक नियमित रूप से करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। जो लोग पवित्रता और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, हनुमान जी हमेशा उनके जीवन को खुशहाल बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को किसी भी काम में दिक्कत आ रही हो, उन्हें मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके चरणों में मौली और सिंदूर चढ़ाना चाहिए। यह कार्य अद्भुत चमत्कारी परिणाम दिखा सकता है और समस्या के समाधान में सहायक सिद्ध हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य में सफलता पाना चाहता है तो मंगलवार के दिन सफ़ेद कागज और केसर सिंदूर का प्रयोग कर सकता है। इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर भगवान श्री राम के नाम का जाप करें। दोस्तों, पूरे सपनों से पीड़ित लोगों के लिए एक और उपाय, दोस्तों तकिए के नीचे हरा नींबू रखें। ये उपाय बुरे सपनों को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन एक नारियल के लाल कपड़े में बांधकर हनुमान मंदिर या नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इस कार्य से मंगल की स्थिति में सुधार हो सकता है और भय और परेशानी से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों अवश्य करें। दोस्तों, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और इसका प्रभाव लगातार बना रहता है। तो दोस्तों हर दिन अवश्य करें। मंगलवार शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर सामूहिक पाठ में भाग लेना बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे रोग दूर होते हैं। दोस्तों, हनुमान बाहु का पाठ करने से गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है और इसे नियमित रूप से 21 या 26 दिन तक करना चाहिए। तो दोस्तों अवश्य करें। हनुमान जी की मूर्ति के सामने जल का पात्र रखकर उसका सेवन करने से भी रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर, केला, गुड़ और चना चढ़ाने से रोग दूर होते हैं। प्रतिदिन या मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की मूर्ति को जल से अभिषेक करने और फिर जल ग्रहण करने से भी रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, रोगों से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन शाम को हनुमान जी की आरती करना भी लाभकारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों ये बहुत सारे उपाय है, ये अवश्य करें। दोस्तों, आरती के समय हनुमान जी के सामने दीपक जलाना और रोगों से मुक्ति की प्रार्थना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, ओम श्री हनुमंते नमः, इस मंत्र का जाप करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका जाप 108 बार अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, दिन भर या दोस्तों हर रोज 108 बार जाप करने से आप सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और दोस्तों हर काम में सफलता अवश्य मिलती है। तो दोस्तों ये अवश्य करें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। हर कमेंट्स में जय श्री हनुमंते नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।